पार्टी का जो भी निर्णय है वह हर कार्यकर्ता को उसका पालन करना चाहिए। पार्टी जो भी निर्णय लेती है वह सर्वोपरि, का जो निर्णय है उसको नहीं नहीं बोला जाता है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री रघुनाथ पांडे की बहू विनीता विजय जी हैं और आज रैली में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि भारी संख्या में समर्थकों को लेकर के आप यहाँ पर आई थी। चिराग पासवान जी का रैली था, ये रैली कितना सफल हुआ है और लोजपा का भविष्य आगे वैशाली में क्या होने वाला है? लोजपा का भविष्य वैशाली में बहुत ही अच्छा और बहुत ही आश्वस्त होकर हमारे नेता यहाँ से गए हैं, ये हम सबकी उम्मीद है। जिस भारी संख्या में यहाँ लोग आए थे और हमारे नेता ने जिस जोरदार तरीके से अपना नजरिया, अपना विजन लोगों के सामने रखा है, तो उससे यह सब हम आश्वस्त हैं कि जिस तरह पिछले 10 सालों से लोजपा को यहाँ का समर्थन मिला है, उसी तरह अगले 5 साल के लिए भी यहाँ के लोग अपना आशीर्वाद चिराग पासवान जी को ही देंगे। देखिए, आपके पार्टी में पिछले कुछ महीनों से सीट शेयरिंग को लेकर के खूब चल रही है। पारस जी भी 5 सीटें मांग रहे हैं, चिराग पासवान भी 6 सीटें मांग रहे हैं, क्या लगता है ज्यादा सीट किसको मिलेगा? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ, इस सवाल का जवाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। वैशाली सीट किसके खेमे जाएगी, पारस जी या चिराग पासवान? मैं नहीं जानती हूँ, मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता की हैसियत से अपना काम कर रही हूँ। चलिए, एक सवाल है आपसे, चर्चाएं हैं कि विनीता विजय इस बार चुनावी मैदान में उतर सकती है, चिराग पासवान सिंबल दे सकते हैं, चुनावी मैदान में आप उतरेंगे इस बार क्योंकि आपके समर्थक? पार्टी का जो भी निर्णय है वह हर कार्यकर्ता को उसका पालन करना चाहिए। पार्टी जो भी निर्णय लेती है वह सर्वोपरि। विनीता विजय अपनी तरफ से तैयार हैं कि अगर हमको रन में उतारा जाए? मैं एक कार्यकर्ता हूं और किस पार्टी का जो निर्णय है उसको नहीं नहीं बोला जाता है। तो आपने कहा कि आप कार्यकर्ता हैं, माना मैंने, तो कार्यकर्ता तैयार है चुनाव के लिए कि अगर परमिशन मिलेगा तो मैं रेडी हो जाऊंगी? मैंने कहा पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के हर निर्णय को मानता है। चलिए, तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ विनीता विजय जी थी और इन्होंने चुनाव लड़ने के बाद पे कहा कि अगर पार्टी निर्णय लेती है तो हम जरूर उतरेंगे मैदान में। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।